अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रंगे जिंदगी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बंद कबाब बर्गर। बहुत ही जबरदस्त सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी। आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं उनके लंच वगैरह में, और ये टी टाइम में भी बहुत जबरदस्त बनते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे 2 अदद बन, ये आपको इजीली किसी भी मार्केट से मिल सकते हैं। 2 अदद हम हरी मिर्ची यूज करेंगे, 1 अदद हम लहसुन का जवा यूज करेंगे, 1/2 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर यूज करेंगे और 1/2 टीस्पून हम यूज करेंगे नमक का। ये सब चीज़ें हमें चाहिए चटनी बनाने के लिए। हम इसके लिए चटनी तैयार करेंगे और हम यूज़ करेंगे 1/2 कप पुदीने के और 1/2 कप हम धनिया का यूज़ करेंगे। 1 अदद हमें अंडा चाहिए। अंडा मैंने अलग से पहले से फेंट के रख लिया है, आप ये देख सकते हैं। अंडा हमने डायरेक्ट कभी भी यूज़ नहीं करना क्योंकि अक्सर अंडे ख़राब निकल आते हैं। 2 टेबलस्पून हम लेमन जूस के यूज़ करेंगे, इसको हम चटनी में ऐड करेंगे। चटनी बहुत ज़बरदस्त बनती है लेमन ऐड करने से। 2 अदद मैंने कबाब यूज़ किए हैं, ये कबाब मैंने शामी कबाब है बना के रखे हुए थे। जब भी आप बर्गर वगैरह बनाएं इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम नमक का यूज़ करेंगे, 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा लेंगे और हम यूज़ करेंगे मायोनीज़ गार्लिक फ्लेवर में। आपके पास अगर गार्लिक फ्लेवर में अवेलेबल नहीं है आप सिंपल मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम यूज़ करेंगे कनौर का टमाटो केचप। मुझे कनौर का केचप बहुत पसंद है, आपके पास जो भी है जो आप लाइक करते हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। चले आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी। हाँ जी, चटनी के लिए हम सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक का, 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून हम लेमन जूस ऐड कर देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त चटनी बनती है, आप यकीन जाने आप इसको वैसे भी किसी भी खाने वगैरह में बना सकते हैं। 1 कप हम इसमें पुदीने का ऐड कर देंगे और 1 कप हमने धनिया ऐड कर देना है इसमें, 2 अदद हरी मिर्चें और 1 हम लहसुन का जवा इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। 2 टेबलस्पून पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो चटनी है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है 2 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन सके। हाँ जी, आप ये देख सकते हैं हमारी कितनी ज़बरदस्त सी चटनी रेडी है। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, लेमन से तो इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप ये समझे कि बन कबाब की जान इस चटनी में ही है। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ अपने। यहाँ पे हम सबसे पहले 1 अदद अंडा लेंगे, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून नमक का और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। हाँ जी, हमने अच्छे से अंडा फेंट लिया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडे को फेंट लेना है। अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करेंगे एक पैन में और हमने अंडे को फ्राई कर लेना है। अंडा आपने जैसे नॉर्मल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अंडा हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसी के साइड पे हम कबाब भी फ्राई कर लेंगे। एक कबाब मैंने बना के रखे हुए हैं, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। हाँ जी, ये देखिए जी, मैंने कबाब की साइड बदल ली है। आपने बहुत अच्छे तरीके से कबाब फ्राई कर लेने हैं। हाँ जी, कबाब फ्राई हो चुके। चलिए अब चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो हमने बन लिए थे इनको मैंने हल्का सा सेक लिया था। इसके ऊपर सबसे पहले हम मायो गार्लिक लगाएंगे। आप कोई भी मायोनीज यूज़ कर सकते हैं, अगर गार्लिक वाला अवेलेबल नहीं है तो ऊपर हमने केचप लगा देना है और इसके बाद हमने ऊपर ऐड करनी है ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी से इसका बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। बन कबाब में जो चीज़ स्पेशल होती है ना, वो ये ग्रीन चटनी ही होती है। अब हम इसके अंदर अंडा ऐड कर देंगे। और अब हमने इसके अंदर रख देना है कबाब। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा रेडी है। अब हम इसके ऊपर प्याज के स्लाइसेस ऐड कर देंगे। आप चाहे तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मगर टमाटर इसमें अच्छे नहीं लगते हैं। इसके ऊपर हम दोबारा केचप ऐड कर देंगे और जी ये हमारा कबाब रेडी है। इसी तरीके से हम दूसरा कबाब भी बना लेंगे। जी जनाब, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बन कबाब रेडी है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। फीडबैक के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।